वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सब लोग बताइए जरा कमेंट में कि आप लोग डांस सीख के कैसा फील कर रहे हैं। लग रहा है कि हाँ कमर चलाना आ रही है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताते जाइए आप लोग। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढोल पे डांस सीखना, ठीक है। तो ढोल के स्टेप बताऊंगी, बहुत ईजी है, और ये नहीं कि सारे स्टेप इसी में बताऊंगी। ऐसे ढोल आपने देखा होगा कि सबसे पहले सुमन चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है, तब उसके मूवमेंट हम लोग बीट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बीट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, कैसे हम लोग मतलब स्लो करते हैं, कैसे स्टेप स्पीड में लाते हैं, वो सब बताएंगे, ठीक है, बीट के अकॉर्डिंग चेंज करना। ओके, तो अभी मैं आपको दो तीन स्टेप बता दे रही हूँ इस वीडियो में, और बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट भी लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो आपका राइट वाला पैर एंड राइट वाला हैंड है ना, आपको इस स्टेप से ले जाना, फर्स्ट स्टेप। ओके, ऐसे वन, ये देखो ये पैर जो आपका है, पैर दिख रहे ना मेरे, पैर दिख रहे ना, तो आपको ऐसे ले जाना है और वापस लाना है। ये देखो पैर, ये पोजिशन आ जाएगी, वन टू। जब हम ये वाला हाथ ऐसे करेंगे, वन, तो हाथ ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, टू, वन टू, ठीक है। जब हम ये वाला आगे डालेंगे, ये ऊपर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और फिर ये वन टू, पैर वापस पहुंच जाएगा, ठीक है, वन टू। और जरूरी नहीं कि हम फ्रंट पे आपको डांस सिखा रहे हैं तो आपका ऐसे घूमना हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, वन टू, ये आप कहीं पे भी घूम के कर सकते हो, ठीक है, वन टू वन टू वन टू वन टू। और आप चाहे तो इसको राउंड में भी कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, आपको हर तरीका आपको यहाँ सीखने को मिलेगा, ठीक है, वन टू 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 वन टू, ठीक है। जैसे जैसे बीट बढ़े आपको स्पीड बढ़ा देनी है, और स्लो हो तब वन टू वन टू। अभी मैं आपको लास्ट में बीट पे करके दिखाऊंगी, आई मीन टू से म्यूजिक पे करके दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, ये क्लियर हो गया, पैर ऐसे, वन टू वन टू। मैं आपको बार बार इसलिए सिखा रही हूँ कि बस आपको करना आ जाए, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप, राइट पैर उठाना आता है सबको, ये ऐसे, सबसे पहले हाथों के मूवमेंट, ये देखो ऐसे करते आ जाओ, ये मूवमेंट, यहाँ आओ, यहाँ आओ, आपको सब तरह से बुलाना है, आओ तुम भी आओ, दोनों आ गया, ये देखो आप सोच रहे हो ये ऐसा स्टेप है, जी नहीं, इसके साथ आपको पैर भी सिखाएंगे। सबसे तो पहले आप हाथों को सीखिए, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अब पैर कैसे करना, वन, ठीक है, वन टू वन टू, पैरों को यूं फेंकना है, जब आप हाथ को अंदर करेंगे तब आपको अंदर लाना है, जब आपको बाहर हाथ ऐसे करना है ऐसे, तो अंदर लाना है, ये देखो वन टू वन टू, ठीक है। अब ये वन टू वन टू, आह हो, आह समझ में आया कैसे करना, वन टू एंड वन टू वन टू। अब यहां आ सकते हैं, आप इसमें गिरोगे नहीं, बता रही हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, ये देखिए, अब आपको कि ऐसे तुम गिर जाएंगे नहीं, आप जब ये लेके आओ तो यहाँ टेक लगा लो, वन, ये देखो जमीन में जंप मारो, कैसे, वन टू यहां से, ओके वन टू, क्लियर हो गया इतना। एंड थर्ड स्टेप, मैंने कमर के स्टेप में सिखाया है, वीडियो में आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन भी लगा रखी है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी,
ओके, राइट पैर आपको हिट करना है और ये आपका पैर हिल की सहायता से राउंड करता जाएगा। राउंड में करोगे तो राउंड करेगा और हाफ करना चाहते हो तो हाफ में घुमाइए। ये पैर आप उठाओगे नहीं, ये सिर्फ हिल के सपोर्ट से राउंड लेगा। पैर दिख रहा है ना मेरा क्लियर? हाँ, ठीक है। ये भांगड़े में ये यूज करना है, फिंगर आप देखिए स्टेप से और शोल्डर ये आगे को करना है तो अपने आप ही ये पीछे होगा। ठीक है, अब देखो पैर को हिट करना है एंड शोल्डर को हिट करना है एंड सेकंड वाले पैर को मूव करना है। कितनी तीन चीजें हैं, फर्स्टली पैर को हिट करना है, ये देखो हिट करते समय दूसरा पैर आपको हिल के सपोर्ट से राउंड देना है। पैर देखो, पहले पैर देख लो, दिख रहा है पैर? हाँ। तो इस पर मैंने आपको पहले पैर बता दिया, अब हाथ देखो यूं करके, ठीक है, एंड शोल्डर मारते जाना है। जब हम हिट करेंगे उसी टाइम हमें यूं शोल्डर को हिट देना है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 दो बार काउंटर यूं हाथ ऐसे, ये थोड़ा लुक देता है डांस में। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो कार्टून टाइप की फीलिंग आएगी, देखना कैसे लग रही। अब आप क्या करोगे, 1 2 हे 1 2 हे 1 2 हे 1 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको 3 ही सिखाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए हम म्यूजिक पे करते हैं। कैसे हमें स्टेप करने, मजा आया ना? म्यूजिक के साथ तो सबसे ज्यादा परफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसी तरीके से स्टेप रखना और जब स्लो हो तो इस टाइप से रखना और जब फास्ट हो तो जोर से रखना। ठीक है, तो आई